क्या राजनीति में किसानों को नहीं अपनाते क्या देश की जनता संगठन तक ही? देखो मेरी बात सुनो, राजनीति में तो झूठ सच बोलो और बहकाओ, जैसे बीजेपी बारे बहकाते डोले। अब हम पे तो यार ना कहीं झूठ बोल रही ना तो खामो का हम पे डोले हो जाए। नहीं जैसे लोग कह रहे थे कि पार्टी बननी चाहिए, नई पार्टी निकल के, वो लो अपने लोगों के विचार हैं। देखो हम अरे बस की झूठ सच तो बोलनी है ना। अब ये तो नेता तो झूठ सच बोलते रहे या हिल्ले पे दिन भर लगे रहे, हम पे ही काम ना होगा। देखो मेरी बात सुनो, इसराइल की फिलिस्तीन की जंग चल रही है आपस में, ये उनके मैटर हैं, बड़े मैटर हैं। अब खामो खा में कोई या मैं बीच में बोले तो मैं वाकई नहीं आ तो क्या कहूँ, कहाँ कहाँ बैगी रोल रही है, कोई लेखा जोखा नहीं यार। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जहाँ कोई एक महीना में प्लांट तैयार है जा है, पानी देर या थे तुम्हारे वायुमंडल थे ऑक्सीजन बन जा। सरकार है तो परमिशन ही देनी पड़ती, प्लांट लगावा तो भीड़ घूम रही है ऑक्सीजन नहीं, पब्लिक है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ताओ इंडिया इनको में तो मामलो ऐसा ही है भैया। ताओ भारत में तो मजदूरों का किसानों का शोषण हो ही रहा था, लेकिन अमेरिका में इंडिया के कुछ लोग एक मंदिर बना रहे थे वहाँ पर, यहाँ के कुछ दलित मजदूरों को वहाँ पर बंधक बना के रखा गया, उनका शोषण किया गया। देखो भैया मेरी बात सुनो, वहाँ की सरकार के क्या नियम है, वो किस नियम के तहत बना रहे हैं, कहाँ गड़बड़ हुई है भैया की मुझे जानकारी नहीं। सरकार ने रेड मारी तभी वहाँ खबरें पता चली है कि यहाँ पर 200 किसान बंधक बने हुए हैं, इंडिया के मजदूर, सॉरी किसान, इंडिया के। अच्छा अच्छा, नहीं तो वहाँ की सरकार मदद करेगी, वहाँ के कानून बड़े सख्त हैं, ऐसे कानून नहीं है वहाँ, वो बंधक बना लिए होंगे। मोदी जी ने मंदिर निर्माण के लिए ट्वीट किया था, अमेरिका में जो मंदिर बन रहा है बढ़िया मंदिर बन रहा है, लेकिन जब मजदूर वहाँ पे शोषण हो रहा था उनके लिए ट्वीट भी नहीं किया मोदी जी ने। नहीं वो तो वह काम है करें जहाँ में उनकी पार्टी को फायदा है जा, वो और दूसरे काम पे कम ध्यान दें। यार हमारे किसान इतने शहीद है कि उन पे एक ट्वीट ना करो उन्होंने, तो वो तो वह हिले करें जहाँ में उनकी पार्टी को घनो फायदा हो, या जहाँ में जनता बहकाने को फॉर्मूला फिटे बन जाए, वह काम करें वो। जी लोगों ने दिल्ली में कुछ पोस्टर लगाए कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, ये पोस्टर लगाए तो पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर दिए उन लोगों पर, अब 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मतलब मोदी जी की अब आलोचना भी नहीं कर सकते आप। यही तो बीमारी है कि सरकार के खिलाफ अगर एक शब्द बोलोगे तो मुकदमे लिखे जाएंगे, तुम जेल जाओगे, यही तो तानाशाही है भाई। पप्पू यादव ने एम्बुलेंसों का खुलासा किया, वो भी जेल चले गए। वहाँ तो एम्बुलेंस तो वहाँ गड़बड़ बात हुआ को कहा, मतलब इनके खिलाफ तो जो बोले वो वाई पे मुकदमे लगेंगे, जेल भेजेंगे और क्या। कब तक चलेगा आंदोलन, क्या समझा जाए, कितनी समय सीमा है? अब भाई मैं यहाँ की कहा बताऊँ, ये कब तक रखेंगे बैठा है क्या हम, या इनके समय में ये निपटेगो ना निपटेगो कोई और निपटा पाएगो। सरकार ने तो बात करनी छोड़ दी है ना, छोड़ दे तो हम कब कह रहे हैं, हम कब तो यूँ कह रहे हैं कि तुम बात कर लो मत करो बैठे, हम अपने काम में कर रहे हैं वो अपने काम में करो। ठीक, किसानों का तो नुकसान है सर, आंदोलन चले जब नुकसान ही हो, वहाँ नुकसान थे तो कम ही नुकसान है, जहाँ बीमारी लेके आ रहे हैं ये। लेकिन जब से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कई किसानों ने कहा कि हमें सरसों पे MSP अच्छा भाव मिला है, लेकिन तेल 180 पहुँच गया सरसों पर। भैया MSP पे कहाँ बिकी है सरसों, तमाम किसान, अरे सुनो चलो वो रेट की बात कर रहे होंगे, मैं उनके बारे में वैसे कुछ नहीं कहूँ। सरसों की तो पैदावार कम हुई है देश में और जमाखोरी ज़्यादा हुई है, इसलिए सरसों के रेट बढ़े हैं। सरसों 4500-4600 किसान की लूटी है, 4800 लूटी है, फिर 7000 पहुंच गई है जब किसान के घर में ना रही। पर आप ये तो जमाखोरी हुई है भाई, आम जनता तो यही सोच रही है। नहीं वो थोड़ी सी उन्हें जानकारी कम होगी, एक तो थोड़ा उत्पादन भी कम हो, दूसरी जमाखोरी ज़्यादा हुई है भाई। सरसों को तो 180 पहुँचो है, क्यों पहुँचो है, 4500 की सरसों खरीदी है, 4800 की खरीदी है, तो 180 को क्या मतलब है भाई। मोदी जी ने कहा अब 8000 पर पहुंच गई, देश का जो दर्द है तकलीफ है मैं महसूस कर रहा हूँ। पर किसानों का नाम नहीं लिया उन्होंने, ना किसानन थे उनको कहा लेनो देनो यार, सरमायेदार घोषणा पर रहो, किसान को कहाँ काम आएगा वहाँ, 24 तक यही नाटक रहना होगा इनको। लेकिन ताऊ जी यदि कोई चीफ मिनिस्टर अपने क्षेत्र में जाता है तो उसको संवैधानिक अधिकार है सभा करने का, मिलने जुलने का। लॉकडाउन को भी संवैधानिक अधिकार है, भीड़ ना करोगे तुम, CM सही चाहे कोई सही, योगी जी नहीं घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, कहाँ भीड़ ले घूम रहे हो, अकेले घूम रहे हो, आपके नोएडा में आए आपने तो, अरे तो भीड़ थोड़ी उनपे, अकेले आए दो एक आदमी और 2000-4000 लेके बैठे हो वहाँ,
योगी जी का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं किसान? किसका? योगी जी का। देखो खूब विरोध करेंगे, अगर वो 2000 की रैली कर लेंगे खूब विरोध करेंगे। ताऊ आप गौतम बुद्ध नगर से आते हो, अभी जिला पंचायत चुनाव हुए हैं, 3 सीट बीजेपी ने जीती है 5 में से, फिर कहा करें? वो किसान कह रहे थे कि हम किस, अरे कहा करें, वो जीत गए फिर कहा करें? आप नहीं, आप तो बोलते हैं कार्यकर्ता भी नहीं है। भैया मेरी बात सुन, वो जीत जात के कैसे जीत गए वो जाने, वो बीजेपी के किसके हमें ना पतो। लेकिन अब वही फिर बंगाल वाली ले आओगे तो के ताऊ जीत गए तो कहा होगा, वहाँ ढूंढो भी ना पाए कुछ, इनको सौदा साफ है चुके हो तो जीत। हाँ तो नहीं, हमने नहीं दही, हमारा तो क्षेत्रीय ना है, हमारे गांव तो कटे हुए हैं चुनाव के, वो कुछ खादर के गांव और वैसे जेवर में जुड़ रहे हैं, हमारे गांव में चुनाव ना, चोरौली में भी ना, हमारे यहाँ प्रधानी भी ना, जेवर के तो काफी किसान आए यहाँ। हाँ कहीं कर गए होंगे गड़बड़ सड़बड़ कोई हैगी, मैं या बात पे तो मैं कोई टिप्पणी ना करूँगा। और यार बाकी तो पश्चिमी यूपी में लोक दल की और इनकी सीट ज़्यादा लिख रही है, इनकी बिछाए गरीबन की लिख रही कहाँ है, इनके चौका लग गए, कहीं 2-4 जीत भी गई तो क्या करें। सबसे कम और सबसे मजबूत किसान है तो गाजीपुर का है, इससे मतलब नहीं है। लोग तो कहते हैं सबसे कमजोर है, अगर जाए तो इससे मतलब नहीं है, हमारा एक झंडा रहेगा ना तो भी हम मजबूत हैं। सारे तंबू खाली पड़े हैं सर, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब गिर गए हैं। हाँ कोई बात नहीं, सब ठाट कर दिए सर, ये तो हवा आती है गिर जाते हैं फिर खड़े कर देते हैं। आप भी सर 1-1.5 महीने बाद आए हैं आज बॉर्डर पर? नहीं, थोड़ी कुछ दिक्कत आ गई थी घर में, करीब 1 हफ्ता लग गया उसमें। तो सर किसान कैसे ऐसा कुछ नहीं, वापस कल टिकैत साहब को भी कहना पड़ेगा लाइव में कि जितने पदाधिकारी हैं यूनियन के वो बॉर्डर पर आई हैं। नहीं सही कह रहे हैं, कहना पड़ गया वो भी लाइव में, सही कह रहे हैं, क्योंकि जो आदमी स्वस्थ है वो यहाँ आए, हमारे कार्यकर्ता बीमार भी तो हैं। नहीं जो स्वस्थ वो भी तो नहीं आ रहा। हाँ वो है ना, आ रहे हैं ऐसे होते हैं, सब आ रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये तो चलता रहता है। सर अभी को आरोप और लग रहा है कि जो किसान बैठे हैं बॉर्डर पर वो बिचौलिए बचे हैं, जो आम किसान है वो तो अपने घर चले के खेती कर रहे हैं ना, खेत छोड़ दें, काम ना करें, वो बिचौलिया है। नहीं ये तो उनकी अपनी सोच है, कभी आतंकवादी बताओ, कभी खालिस्तानी बताओ, कभी बिचौलिया बताओ, कभी आंदोलनजीवी बताओ, ये तो उनकी अपनी सोच है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है जब, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। सर टीक रिपोर्टर पर जो घटना हुई उसको कैसे देख रहे हैं आप, एक लड़की के साथ जो रेप हुआ? नहीं उसके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्यों सर? क्योंकि नहीं, उसके संबंध में कुछ नहीं कह चाहूँगा, कितना फर्जी है कितना सही है अभी वो चीज़ क्लियर नहीं आई निकल के। जैसे किसान देखो मेरी बात सुनो, पहले भी जाट आंदोलन चला था, उसमें भी मतलब इस तरह के घिनौने आरोप लगाए थे, बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, सब आरोप थे। तो जब तक उसकी जांच ना हो जाए जब तक कुछ नहीं कहा जाता। घटना हुई है तो फिर क्या कहोगे? नहीं तो फिर निंदनीय घटना, अगर जो हुई है तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, अगर जो हुई है तो